धनबाद का जिला मुख्यालय में मिनी सेक्रेटरी नहीं है। अब आप कमाल देखिए, मुख्यमंत्री का कमाल देखिए, आपकी तपस्या की वजह से आज धर्मपुर में 35 करोड़ से जो है मिनी सेक्रेटरी है धर्मपुर में। आज संधोल में 35 करोड़ से मिनी सेक्रेटरी संधोल में बन रहा है। आज फिर हमें 30 करोड़ से मिनी सेक्रेटरी जो है वो टीरा में बन रहा है। किसने सोचा था कि जिला जो है वहां पर अभी तक मिनी सेक्रेटरी नहीं बने, लेकिन धर्मपुर जैसे क्षेत्र में वहां पर तीन मिनी सेक्रेटरी जो है आज उनका काम। मैंने वो समय देखा है जब पहली बार मैं विधायक बना था तो हमने एक बस जो है मियो के पास रखी थी पालिका, वो दो चक्कर मणि तक लगाती थी और दो चक्कर सिद्धपुर की तरफ लगाती थी, लोगों को बड़ी राहत मिली थी। आज धर्मपुर क्षेत्र के अंदर मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि लगभग जो मेरे से पहले धर्मपुर क्षेत्र के अंदर दो पुल थे केवल मात्र, एक शिवद्वाला का पुल था और दूसरा पाटचू का पुल था। आज धर्मपुर क्षेत्र के अंदर लगभग 115 पुल जो है पहले वक्ताओं ने कहा क्या हालत हमारी हुई थी, हमारी रेड़खंड की क्या हालत, रेड़खंड में क्या हुआ था। मैं जब सुबह उठ करके घर से यहां पहुंचा और यहां पहुंचा तो धुआं ही धुआं था, बड़ी भारी धुई पड़ी हुई थी लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। मैंने कच्छा और बनियान पहनी हुई थी, चप्पल पहनी हुई थी और उसी में जब मैं नीचे गया और जब मैं लोगों को मिला उन्होंने कहा हमारा सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। राजमार्ग बेचारा भारती का, वो कहने लगा मेरा काला बक्स किसी को मिल जाए तो मेरे काले बक्स को वापस कर देना, मेरा सब कुछ उसी में था। आप अंदाजा लगाए कि गरीब की एक फरियाद थी जिसकी पूरी उम्र की कमाई उसी बक्से में थी, वो ढूंढते हम भी ढूंढते चले गए, वो भी ढूंढता रहा, वो काला बक्सा नहीं मिला। और उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए, ऊपर से नीचे को गए, एक नया पैसा नहीं दिया। आज मुझे इस बात का संतोष है, मुझे अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना है, मुझे अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना है, मुझे जल शक्ति मंत्री भारत सरकार शेखावत जी का धन्यवाद करना है कि इन 5 पंचायतों के लिए, त्रेड पंचायत के लिए, बड़ी पंचायत के लिए, हमारी जो नीचे नई पंचायत बनी चतोली प्रधाना पंचायत के लिए, चित्र पंचायत के लिए और स्मॉल पंचायत के लिए 5 पंचायतों की खटों नालों के सैनिटाइजेशन के लिए, स्परों के लिए नहीं किया। पहले भी मुख्यमंत्री होते थे, पहले भी हमने इस समस्या को रखते थे लेकिन हमारी बात कौन सुना कर दिया जाता था कि नहीं ये तो ऐसे ही बोलते रहते, मतलब हमें कहते थे ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे मैं चुनाव प्रतिनिधि हूं, मैं धर्मपुर के लोगों का सेवक हूं, मैं अपने लोगों की समस्या नहीं रखूंगा, मैं अपने लोगों की बात नहीं रखूंगा तो फिर और कौन रखेगा। लेकिन इस बार जो भी बात हमने अपने मुख्यमंत्री जी के सन्मुख रखी, आज धर्मपुर में अगर हॉस्पिटल 100 बेडेड का है तो दूसरा 100 बिस्तर वाला अस्पताल संधोल में बढ़ रहा है, तीसरा 50 बिस्तर वाला अस्पताल तीरा में बढ़ रहा है और चौथा 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो मंडप में बढ़ रहा है। मैं बड़े इससे कह सकता हूँ और 30 बेडेड अस्पताल जो है वो मढ़ी में बन रहा है। कम से कम 3-4-5 हॉस्पिटल पे 150 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है, 150 करोड़ रुपया खर्च। इसे सोचा था कि जो मिनी सेक्रेटरेट आज चंबा जिला का मिनी सेक्रेटरेट नहीं है, आप पता कर लो वहां पर। मेरे प्यारे बालो फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं। कल तो करा था आज क्या हो गया। भूला नहीं यार, मैं एक बार मैंने इसको देखे इसकी शक्ल में कुछ करा दिया। कैंपस के आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया,
क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 8218-00003 या 8218-00004।